बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर वाफ़ीयत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मौसम कुछ पहले से बेहतर है क्योंकि रात को थोड़ी बूंदाबांदी हुई है, लेकिन गर्मी शिद्दत की गर्मी है। तो अभी देखे क्या होता है, सारा दिन पड़ा है। तो नाज़रीन, आज हम बनाने लगे हैं। ज़ाहिर है कि ये इंसान की नेचर है, अगर सर्दी हो तो सर्दी वाली चीज़ें खाता है और गर्मी हो तो गर्मी वाली। तो हम आपके लिए गर्मियों का एक लाजवाब तोहफा लाए हैं, तो वो है कद्दू का हलवा। तो आइए शुरू करते हैं कैसे बनता है। तो नाज़रीन, ये है मेरे कद्दू। तो कद्दू है जो जो छोटे से छोटा साइज़ लेने की कोशिश करनी है। मैंने बहुत छोटा कद्दू लिया है, तो इसको पानी में रखना चाहिए क्योंकि ये काला हो जाता है। और मुझे इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने लिया है थोड़ा खोपरा है, किशमिश है, और ये चार मगज़ है, और इसके अलावा चीनी और ऑयल होगा इसमें। तो हम कटिंग करते हैं कद्दू की। छोटे से छोटा साइज़ आपने लेना है कद्दू का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये बारीक से साइज़ में करेंगे। बारीक बारीक सा काट लें ताकि जल्दी से गल जाए। तो नाज़रीन, आग हमारी जल चुकी है, तो हम अब बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, अब हम डालते हैं इसके अंदर कद्दू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम थोड़ा सा इनको भून लेंगे हल्का सा। ये कद्दू को हम पहले सही तरह फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह ये गल जाए। हम इसको आस्ता आस्ता पीस लेंगे। तो अब हम इसको दम पे छोड़ देते हैं ताकि अच्छी तरह ये गल जाए। ये देखिए, ये हमारी मुर्गी अंडा देने बैठी है। बड़ी सेफ्टी के साथ हमसे छुप छुपा के हम आपको दिखा रहे हैं। और इसको मिक्स करते हैं। वो कद्दू हमने सही तरह पीस लिया। पहले किशमिश, और ये है चार मगज़,
और ये है छोटा। तो ये गर्मियों के लिए बहुत ही लाजवाब डिश है, गर्मी दूर करता है। ये हमारी डिश है कूल एंड स्वीट, ठंडा और मीठा। तो आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा और इंजॉय करेंगे, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये स्पेशल गर्मियों के लिए, क्योंकि कद्दू हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो ऐसे गर्मी के मौसम में तो फिर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत मज़ा भी लेंगे और इसकी पसीन भी ठंडी होती है। अभी इसको 5 मिनट और लगेंगे, जब ये घी छोड़ता है फिर हम नीचे उतार लेंगे इसको। ये हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, देखिए ये बन चुका है। अब हम इसको चूपा के देखिए, अभी इसके अंदर पानी मौजूद नहीं है, ये खुश्क हो गया। हम इसको उतार के ये डिश आउट करते हैं। लाइक करना दोस्तों, तो ये मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का बनता है, तो आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है और इसको बना के खाना है। ये गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा और ठंडा और बहुत ही मज़ेदार होता है और गर्मी से महफूज करता है। तो नाज़रीन फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, दोस्तों का ख्याल रखिए और हर किसी का ख्याल रखिए, और ज़रूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।